अफसाना ने मांगी विशाल और शमिता से माफी, आखिर क्यों? चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हां, अफसाना खान ने माफी मांग ली है विशाल और शमिता से। दरअसल वीकेंड के वार के दिन यानी कि सैटरडे को अफसाना को सलमान खान की लताड़ लगी थी। जी हां, काफी ज्यादा सलमान खान ने जो है कहा था अफसाना को कि कितना ज्यादा आप गंदा बोल रही हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि शमिता और अफसाना की लड़ाई हो गई थी, जिसके चलते अफसाना ने काफी कुछ शमिता को कहा, तो वहीं बुरा भला विशाल को भी कहा। और उन्होंने कहा कि मेरी जबान बहुत गंदी है, मैं जिसको जो बोलती हूँ यानी कि बद्दुआ देती हूँ तो वो लगती है। वेल, काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने कही थी जो वाकई में काफ़ी बुरी थी और उस समय सभी लोग उनके अगेंस्ट थे। लेकिन यहाँ पर जो है सलमान खान ने बहुत ही बखूबी तरीके से उनके साथ में डील किया और उन्हें बताया, उनकी सारी गलती उन्हें गिनवाई। वहीं अफसाना को फिर रियलाइज़ हुआ कि वाकई में उन्होंने काफ़ी कुछ गलत गलत कह दिया है। और वीकेंड के वार यानी कि सैटरडे का जब एपिसोड ख़त्म हो रहा था, उसी समय अफसाना ने सभी लोगों से माफ़ी मांगी, शमिता से माफ़ी मांगी, साथ ही में विशाल से माफ़ी मांगते हुए उन्होंने गले लगे। तो वहीं जय से भी उन्होंने सारी चीज़ें सॉर्ट आउट की। वेल, काफ़ी बड़ा इश्यू बन गया था इस चीज़ का और अफसाना जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया था उनका ड्रामा जो था, उससे रिलेटेड उनकी कहीं ना कहीं फ़ैन फॉलोइंग भी जो है कम होती हुई नज़र आई है और कहीं ना कहीं फैंस भी उन्हें जो है नापसंद कर रहे हैं। वेल, अब क्या अफसाना जो है वो अपने गेम को सुधारती हैं या नहीं सुधारती है, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वेल, आपको क्या लगता है अफसाना के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। बिग बॉस से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।